नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है वाइट ढोकला। देखो, यहाँ पे एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला बनके तैयार है। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पोहा और रवा का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने लिया है पोहा एक बाउल, रवा लिया है, यहाँ पे मैंने बारीक सूजी का यूज़ किया है, बारीक रवा जो आता है वो हमने यहाँ पे लिया है, और कर्ड लिया है, दही एक बाउल। अब हम पोहा जो है उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको मिक्सी में डाल देंगे और उसको अच्छे से पीस लेंगे। देखो, इस तरह से हमें पोहा को पीस लेना है। अब हम ये सब मिक्स कर लेंगे। तो एक बड़े बाउल में हमें डालना है पोहा, फिर उसमें डाल देंगे सूजी और कर्ड लास्ट में। अब यहाँ पे हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच सिट्रिक एसिड, आधी छोटी चम्मच शक्कर और नमक स्वादानुसार। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च बारीक कटी हुई और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हमें इसमें डालना है पानी। पानी जो है हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो पोहा और रवा जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसलिए ये मिक्सचर गाढ़ा होता जा रहा है। अब इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से हमारा ये मिक्सचर बन गया है। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद देखो, यहाँ पे मैंने और थोड़ा सा पानी डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो इसमें इनो भी डाल सकते हो। एक ट्रे को मैंने यहाँ पे ग्रीस कर लिया है अच्छे से तेल से, और इसमें ये डाल देंगे बैटर जो हमने बनाया था ढोकले का, और ऊपर से हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। उससे बहुत ही सुंदर दिखता है ये, और हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे। तो इसको हमें 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करना है। तो 15 से 20 मिनट के बाद देखो, ढोकला एकदम बनके तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके लिए हम तड़का बना लेंगे। तो तेल में हमें डालना है राई, फिर डालना है हींग, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। ढोकले को मैंने ठंडे होने के बाद स्क्वायर शेप में काट लिया था और उसके ऊपर हम ये तड़का डाल देंगे। तो इस तरह से हमारा ढोकला एकदम बनके तैयार है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी यहाँ पे बना है। मैंने इसको पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ भी खा सकते हो। खाने में एकदम स्वादिष्ट है और दिखने में भी बहुत लाजवाब दिख रहा है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। थैंक यू।